ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्द धारिणे अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः रामाय गुरवे नमः। दिव्य धाम से तारण आए दिव्य धाम से तारण आए पुण्य प्रदा कहलाए धन्य धन्य है कीर्ति तुम्हारी धन्य धन्य है कीर्ति तुम्हारी नमो नरबुदामाई नमो नरबुदामाई। ये पावन भारतवर्ष है, ऋषियों का देश है। इसकी एक अत्यंत प्राचीन और पुण्य नदी है महानर्मदा। ऐसा सुनते हैं पढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन ये नदी है, गंगा से ये प्राचीन है और शिव की देह से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसी से नाम है माहेश्वरी गंगा। इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसकी कथा शास्त्र में आती है। जिस स्कंद पुराण है, सबसे बड़ा पुराण है हमारा, वो उसका एक खंड है अवंती का खंड और उसका एक उपखंड है रेवा खंड। इस रेवा खंड के अंदर, रेवा एक नाम है माँ नर्मदा का, तो उसके अंदर नर्मदा की उत्पत्ति, उसका महत्व, उसके तीर्थ सबका विस्तार वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार सतयुग में जब भगवान शिव मैकल पर्वत पर बैठ तपस्या कर रहे थे, तभी उनके शरीर से एक पसीने के बूंद धरती पर जा गिरी और पूरी घाटी जलमग्न हो गई। उसके उपरांत उस जलमग्न घाटी से एक देवी प्रकट हुई और वो भगवान शिव से बोली, आप मेरे पिता हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान शिव बोले, आप जीवों के कल्याण के लिए नदी के रूप में भारतवर्ष में प्रवाहित हों। भगवान शिव की आज्ञा से नर्म अर्थात सुखदायिनी देवी नर्मदा भगवान शिव एवं अन्य देवताओं के वरदान प्राप्त करने के उपरांत पवित्र नदी के रूप में धरती पर प्रवाहित होने लगी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक है, जहां से निकलकर विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की घाटी से होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 1300 किलोमीटर नर्मदा प्रवाहित होती हैं और अंत में गुजरात के भरूच की खंबात खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती हैं। प्रीकैम्ब्रियन युग के सक्रिय भूभागों के संघर्ष से बनी इस घाटी में आदिकालीन समुद्री जीवाश्मों के अवशेषों के साथ साथ डायनासोर्स के भी प्रमाण मिलते हैं। इसी कारण नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदी होने की मान्यता प्राप्त है। घाटी की गुफाओं में आदि पाषाण कालीन मानवों की उपस्थिति के प्रमाण के साथ साथ नदी के किनारे बसे अनेक पौराणिक जनपदों की सतत उपस्थिति इस नदी की भारत के विकास में सहयोग की अविरल गाथा का वर्णन करते हैं। मात्र ऐतिहासिक रूप से ही नहीं, बल्कि नर्मदा नदी पौराणिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। और सर्वाधिक तीर्थ भी देखे हम किसी नदी तट पर तो यही मिलते हैं हमको। इसका संबंध शिव से है,
शिव की पुत्री है, भक्त है, तो महादेव के हजारों तीर्थ, प्राचीन तीर्थ जिनका उल्लेख पुराणों में है, वो इसके दोनों तट पर स्थित दिखते हैं हमको। और जो अन्य नदियां हैं गंगा आदि, उनके वजह से नर्मदा में एक विशेषता और भी है कि नदियां पुण्य कहीं विशेष जगह होती हैं ज़्यादा और बाकी जगह प्राय नहीं होती हैं। पर नर्मदा की विशेषता है कि जहाँ से निकली है और जहाँ तक ये जात है सागर में, सर्वत्र क्या ये पुण्य है। ऐसे श्लोक भी आता है पुराण में कि गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्य पुण्या सरत नर्मदा। ग्राम में बहे, जंगल में बहे, कोई तीर्थ हो बहे, सभी जगह नर्मदा क्या अत्यंत पुण्य है। एक और विशेषता इसकी नदियों से कि जो अन्य नदियां हैं उनमें हम जाएं, स्नान करें तो हमारी शुद्धि होती है, हमारे पाप नाश होते हैं। और इसकी महिमा ऐसी नर्मदा की कि दर्शन से ही पाप नाश ये कर देती है। एक जगह आता है इसके बारे में श्लोक, त्रिभिः सारस्वतम पुण्यम सप्ताहेनु तो यामुनाम सद्यः पुनाति गांगेयम दर्शना देव नर्मदम। कि नदी थी हमारी प्राचीन सरस्वती, विलुप्त है आज, तो उसमें आप 3 दिन 3 बार स्नान करेंगे तो आप पूर्ण पवित्र होंगे। यमुना है, वहाँ आप 1 सप्ताह स्नान करें तो आप पवित्र होंगे। गंगा है, उसमें आप 1 स्नान कर लें 1 बार तो आप पवित्र हो जाएंगे। पर नर्मदा ऐसी नदी है कि इसके किनारे बैठे आप और दर्शन खातिर करें, स्नान ना करें, तभी पवित्र आप हो जाते हैं। ये इसकी महिमा है। और एकमात्र यही एक नदी है भारत की जिसकी अनादिकाल से आज तक हर वर्ष हजारों भक्तगण परिक्रमा करते हैं पूरे। ये लगभग 3,400 किलोमीटर की होती है परिक्रमा, प्राय लोग नंगे पैर करते हैं। और ये परिक्रमा पहले की थी ऋषि मार्कंडेय ने, जो एक नर्मदा के बड़े भक्त हैं, उनके मानस पुत्र जैसे हैं। उन्होंने बहुत पहले अनादिकाल में परिक्रमा की, कई वर्षों में। उसके बाद देवताओं पर संकट आया, तो उन्होंने भी परिक्रमा किसकी आकर की कई वर्षों में। और तब से आज तक अनेक साधु, सन्यासी, संत और गृहस्थ भक्त भी हर वर्ष बड़ी भक्ति से, श्रद्धा से, तपस्या करते हुए इसकी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा परिक्रमा भारतीय सनातन धर्म की उन अनोखी यात्राओं में से एक है जिस पर चलकर श्रद्धालु भक्तिमय हो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं और जीवन को एक वृहद एवं नैनाभिराम रूप से साक्षात्कार कराने का प्रयास करते हैं। पारंपरिक प्रथा के अनुसार अपने परिवार और गुरुजनों की अनुमति के साथ परिक्रमा का संकल्प धारण करने के उपरांत यात्री नर्मदा तट पर किसी भी एक तीर्थ से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं एवं नदी को बिना पार किए एक ही दिशा में चलते जाते हैं। परिक्रमार्थी इस यात्रा के दौरान नदी तट पर बसे अनेकों नगर, ग्राम, तीर्थ एवं जंगलों से होकर चलते हैं और अपनी प्रसाधन व भोग सामग्रियों का त्याग कर केवल भिक्षा व पराश्रय में ही अपना जीवन निर्वहन करते हैं। पूजन, दर्शन और विमर्श करते हुए नदी के दोनों ओर पैदल प्रदक्षिणा कर उसी तीर्थ पर आकर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं जहां से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी। इस यात्रा के उपरांत अनेकों सिद्धियां व लाभ तो होते ही हैं, किंतु इस यात्रा के संकल्प मात्र से ही मन की समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। आप अपने गांव में एक सुनिश्चित जिंदगी जीते हैं, सब कुछ निश्चित है, आपकी तनख्वाह सैलरी कितनी मिलेगी वो निश्चित है, साल में छुट्टियां कितनी मिलने वाली है वो भी आपको 1 साल पहले ही पता चलता है कि दिवाली कब आने वाली है, दशहरा कब आने वाला है,
आपके सोशल इवेंट्स क्या है वो भी आपको मालूम होता है, लेकिन फिर भी आपके मन को कोई निश्चिंतता नहीं रहती। मराठी में मैं अगर कहूँ तो सगळं काही सुनिश्चित आहे पण मनाला मात्र निश्चिंतता नहीं, कधी काय होईल सांगता येत। लेकिन यहाँ परिक्रमा में क्या हो रहा है, सब कुछ अनिश्चित है कि आज हम लोग किसके घर रुकेंगे, आश्रम में रुकेंगे, धर्मशाला में रुकेंगे कि किसके घर रुकेंगे, सब कुछ अनिश्चित है। अगर बीमार पड़े तो सहायता मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कुछ अनिश्चित है। फिर भी आपके मन में ये कोई दुविधा नहीं है, आप निश्चिंत मन से मार्गक्रमण करते हैं और यही सबसे बड़ा साध्य है कि अनिश्चितता में भी निश्चिंतता आपके मन को है। सब कुछ अनिश्चित है लेकिन मन को निश्चिंतता है, और ये स्थिति जो है अपनी जिंदगी में आना कि अनिश्चितता में मन निश्चिंत होना, ये सबसे बड़ा साध्य है, ये परिक्रमा ने आपको दिया। परिक्रमा के पहले आपका परिवार सीमित था, चार दीवारों के बीच में आपका परिवार था। आज परिक्रमा करते समय आपका ये परिवार सीमित से असीमित हुआ है। नर्मदा तट का मनोरम रूप और जैव विविधता प्राचीन काल से ही मानव जीवन के लिए एक सार्थक शिक्षा, सेवा और प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसीलिए जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक की रचना कर नर्मदा माई की स्तुति की है। बिंदु सिंधु सुस्तल तरंग भंग रंजित विशस्त पाप जात जात कारिवारि संयुतं कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्म दे त्वदीय पाद पंकज नमामि देवि नर्मद त्वदीय पाद पंकज नमामि देवि नर्मद पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सता पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवान रानवे विलोकयन्ति रौर त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि।